तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। राइट नाउ मैं हूँ फुकेट में और आज मेरा है हाफ डे फुकेट सिटी टूर। तो चलेंगे अभी सिटी टूर करने के लिए। मैं आज ही आया हूँ, चेक इन किया, देन उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो गया और अब मैं जा रहा हूँ सिटी टूर करने। ऑल दो 12 बज रहे हैं, गर्मी लगेगी। मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से क्योंकि मेरी 4 बजे की फ़्लाइट थी। तो अभी मैं चल के कुछ खा भी लूँगा, जो मेरा गाइड है मैंने उसको बोल दिया है। फिर उसके बाद 4-5 घंटे का सिटी टूर है तो वो करेंगे पूरा। और ये मेरा होटल है पीछे स्वाति पटाऊँ, ये आप लोग देख लेना अलग से, इसका मैं पूरा व्लॉग बना दूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो वेट कर रहा है, तो चलते हैं और आप लोगों को पूरा फुकेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी है और इसी से मैं अभी हाफ डे सिटी टूर करूँगा। ऑलरेडी वेट कर रहा है तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। फुकेट में रोड बहुत ज़्यादा सीनिक है क्योंकि यहाँ पे हिल्स हैं और साथ ही साथ सी भी है, तो एकदम मस्त सीनिक रोड है। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ कार में और ये मेरा प्राइवेट सिटी टूर है। आराम से घूमेंगे 3-4 घंटे, जहाँ जहाँ भी लेके जाएंगे। अभी मैं बीच के थ्रू पास कर रहा हूँ, पेटोंग बीच देखा, फिर उसके बाद ये एक और कैरोल बीच है, यहाँ से पास कर रहे हैं, जा रहे हैं बिग बुद्धा की तरफ। तो देखते हैं बीच पे भी जाएंगे और भी क्या क्या करते हैं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट पूरा फुकेट देखना है अपने को। पूरा तो ऑलमोस्ट नहीं देख पाऊँगा बट जितना भी होगा कवर करेंगे। चलिए, तो इधर पूरा बीच है और यहाँ पे बहुत ब्लूविश बीच है। अभी बीच पे भी जाएंगे बट फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ घूमते फिरते बिग बुद्धा। तो यहाँ से वो कता बीच है, देन कैरोन व्यू पॉइंट है, ये जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, ये देखो इस तरफ, ये कैरोन व्यू पॉइंट है। तो ये पहला स्टॉप था, यहाँ से फुकेट का व्यू आ रहा है। दो बीच दिख रहे हैं, एक सबसे उधर वाला बीच दिख रहा है कता बीच, देन इधर एक बीच है, देन वहाँ पे वो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है। यहाँ से पूरा व्यू देखना है फुकेट का। तो यहाँ पे ऊपर आगे व्यू देखना है तो इसीलिए भी मैं स्टेयर्स चल रहा हूँ। यहाँ से ऊपर से पूरा और ज़्यादा सीनिक व्यू दिखेगा, तो चलिए चल के आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। पहले ऊपर से ये पूरा व्यू आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त सीनिक व्यू है। ये देखो, इतना मस्त व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही पीछे का पूरा व्यू था, ये देखो बहुत मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। बट इस तरफ धूप है ना, तो पिक्चर्स तो खाली आ रही हैं, बट वीडियो में ये देखो बहुत मस्त दिख रहा है, बहुत सीनिक व्यू पॉइंट है ये। तो अब ये देख लिया है, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे, चलते हैं देखते हैं इसके बाद कहाँ लेके जाएंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ बिग बुद्धा देखने और बुद्धा का स्टैचू यहाँ पर बहुत बड़ा है। यहाँ से पूरा फुकेट का भी सिटी व्यू मिलेगा क्योंकि ये टॉप पर है एकदम बिग बुद्धा। तो अभी चल के पहले मैं आप लोगों को बिग बुद्धा दिखाता हूँ। और बिग बुद्धा आने के रास्ते में ही टाइगर पार्क है, देन एलिफेंट राइडिंग भी कर सकते हो, वो सब इंक्लूडेड नहीं था, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। नॉर्मल प्राइजेज हैं 700-800 बट के आसपास, तो वो सब आप लोग कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी मुझे नहीं करना था तो मैंने नहीं किया। तो अभी मैं आ गया हूँ बिग बुद्धा देखने और इधर से अब बिग बुद्धा है इस तरफ, ये देखो पीछे दिख रहा होगा बिग बुद्धा, मैं आप लोगों को एक बार सामने से चल के दिखाता हूँ। और ये देखो यहाँ पे ये है बिग बुद्धा, ऊपर तक भी जा सकते हो, देखते हैं ऊपर भी चलूँगा। और इस तरफ ये पूरा बिग बुद्धा का एरिया है, देखो इधर से पूरा व्यू है सिटी का। ये मेरे गाइड है आज के लिए, तो यही घुमा रहे हैं सब जगह। तो यहाँ से ये देखो पूरा फुकेट का व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सीनिक और मस्त व्यू आ रहा है। ये आई गेस वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट होगा फुकेट में। वो दूर में जो लंबा वाला आइलैंड दिख रहा है वो फीफी आइलैंड है, एंड इस तरफ बहुत सारे टूरिस्ट हैं। सो अभी मैं आ गया हूँ ऊपर और पीछे ये देखो इतना मस्त व्यू आ रहा है, सामने बुद्धा का भी बहुत सही व्यू आ रहा है। ये देखो यहाँ पे ऊपर आने के बाद अगरबत्ती जला रहे हैं, देन ये बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, देन ये बिग बुद्धा पूरा, अभी एकदम हेड पे धूप है। देन इस तरफ बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं, बहुत सही है, यहाँ डोनेशन वगैरह कर सकते हो आप लोग। देन यहाँ पे ये देखो ऊपर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं और यहाँ पे एक लाइन से बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज बने हुए हैं अलग अलग पोजीशंस में। तो बिग बुद्धा में अभी और भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखो पीछे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने देख लिया है पूरा बिग बुद्धा। अभी एक सर्कल लेके फिर आप लोगों को उतरना होता है, तो अभी मैं सर्कल ले रहा हूँ, सर्कल लेके फिर उतर जाएंगे नीचे, फिर चल के कुछ खाते हैं क्योंकि नीचे मैंने देखा खाने के लिए शॉप्स वगैरह थी। और यहाँ टॉप से व्यू बहुत मस्त है, हर साइड से कुछ ना कुछ व्यू है और हर व्यू बहुत प्यारा है, मतलब
अब तक का ऐसा बोलो बेस्ट व्यू है, इतना मस्त व्यू जो आ रहा है ना, माउंटेन्स है एंड देन बीच है। तो अभी बिग बुद्धा देख लिया है मैंने पूरा, ये देखो बहुत बड़ा बिग बुद्धा है। अब यहाँ से मैं उतर रहा हूँ नीचे, नीचे चलते हैं और चल के कुछ खाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को नीचे जाना है, ये रिक्शा बना हुआ है यहाँ पे स्टेयर्स, यहाँ से उतरना है हम लोगों को नीचे। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे ये बना हुआ है, ये देखो यहाँ भी लोग जा रहे हैं और लोग पंडित जी बैठे हुए हैं। तो अभी बिग बुद्धा देख लिया है और व्यू इंजॉय कर लिया है, तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हम देखते हैं इसके बाद कहाँ लेके जाते हैं, फिलहाल मैं चल रहा हूँ आगे। तो मैंने यहाँ पे अभी अभी ये पेप्सी ली और ये 15 भट की है, मतलब अप्रॉक्स 30-40 रुपए के आसपास। बट यार ये बॉटल देखो, ऐसी वाली बॉटल इंडिया में नहीं मिलती है, ये मतलब बहुत ही 345 ml है, बहुत स्लीक बॉटल है। ये बॉटल आई गेस इंडिया में मिलनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी पेप्सी पीते हैं और जा रहा हूँ मैं अभी कार की साइड। तो अभी बिग बुद्धा से निकल गया हूँ, बैठा हुआ हूँ कैब में और अब हम लोग फिर से कोई टेम्पल जा रहे हैं देखने के लिए। तो देखते हैं एक बार टेम्पल पहुँच जाऊँ, फिर मैं आपको टेम्पल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, इसके भी ऊपर चढ़ सकते हो, वहाँ तक लोग चढ़े हुए हैं, वहाँ भी जाके पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो। स्टेयर्स बने हुए हैं। अभी मैं ये टेम्पल आया हूँ और इस तरफ ये मेन टेम्पल है, ये है मेन टेम्पल। अंदर से कुछ असर भी है मेन टेम्पल का। यहाँ पे आके फूल चढ़ाना और प्रे करना। वो एक और टेम्पल का एरिया है, इस तरफ ये है मेन टेम्पल, बहुत बढ़िया। तो इस तरफ आपको प्रे करना होता है। बिग बुद्धा से निकलने के बाद मैं आ गया हूँ टेंपल और अभी टेंपल के बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि अंदर हम लोग आवाज़ नहीं कर सकते हैं, साइलेंस रखना। पीछे ये देखो, इसके भी ऊपर जा सकते हो बैल बजाने के लिए। देन इस तरफ अगर आप देखोगे तो इधर भी टेंपल का पार्ट है, इस तरफ मेरा इधर भी टेंपल है, ये मेन टेंपल है। अभी मैं अंदर से होकर आ गया हूँ, आप लोगों को भी दिखा दिया है। इसके उस तरफ वो दूसरा मेन टेंपल है, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा। और ये टेंपल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और वो भी बहुत मस्त लग रहा है। तो वहाँ वो देखो ऊपर, वहाँ पे बिग बुद्धा था, फिर वहाँ से मैं आ गया टेंपल। ये पूरा टेंपल का एरिया है। देन इधर ये भी टेंपल का एरिया, मैं अभी ऊपर खड़ा हूँ, अभी नीचे था। और ये मेन टेंपल है इस तरफ। तो अभी मैं एकदम ऊपर आ गया हूँ और यही मेन टेंपल है इस तरफ। और अब टेंपल भी देख लिया है, ऊपर भी आ गए। यहाँ पर बेल लगा हुआ है, बेल बजाना होता है, बेल भी बजा दिया मैंने। और वहाँ सामने बिग बुद्धा था, वहीं से आए हैं अभी यहाँ टेंपल। अब ये देख लिया है, अब इसके दूसरी साइड जो टेंपल है वो देखने चलते हैं। चलिए नीचे उतरता हूँ मैं यहाँ से। तो ये दूसरा टेंपल, ये देखो इसकी हाइट ज़्यादा है। तो अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, अंदर भीड़ भी है, लोग हैं, फॉरनर्स बहुत देखने को मिले यहाँ पे। मंदिर का एरिया काफ़ी बड़ा है, ये देखो इधर भी है, देन इधर भी एक और टेम्पल है, उसके बाद उधर वो मेन टेम्पल था। वहाँ से आप लोग फ्लावर्स वगैरह ले सकते हो, पे नहीं करना है, सिर्फ डोनेशन देना होता है। तो ये पूरा एरिया टेंपल का। तो इस टेंपल के अंदर बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू रखे हुए हैं, ये देखो बहुत सारे स्टैचू हैं यहाँ पे। बस इनको देख के आप लोगों को निकलना है। और ऊपर आने के बाद ये देखो, यहाँ पे भी बुद्धा का ये स्टैचू है, बहुत सारे स्टैचू हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, हम देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे। लंच नहीं किया है तो अब मोस्ट प्रॉब्लम मैं लंच करूँगा, क्योंकि दो टेंपल देख लिए, बुद्धा भी देख लिया। तो अब चल के लंच करेंगे, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है मैं बता नहीं सकता हूँ, बट ठीक है कोई नहीं, चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत टाइप्स के काजू मिल जाएंगे, ये देखो ऐसे काजू भाई इंडिया में मिलते ही नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही टाइप का काजू होता है, बट यहाँ पे ये आई थिंक रॉ फॉर्म है काजू का, और बहुत सारे वैराइटीज़ के हैं। ये काजू की फैक्ट्री है, उधर प्रिपरेशन हो रहा है, वो देखो उधर काजू बन रहा है, ये पूरी फैक्ट्री है। फिर इधर भी इन्हीं की शॉप है, ये देखो इधर भी बहुत सारे वैराइटीज़ के काजू रखे हुए हैं, मतलब कोई कमी नहीं है फ्लेवर से लेके वैराइटी तक। ये देखो टोमियम, देन ये भी, तो बहुत वैराइटी है इनके पास काजू की। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं चला गया था पर्ल फैक्ट्री में, जहाँ मोती से बने हुए सारे सामान मिल रहे थे, मतलब ज्वेलरी वगैरह से लेकर सब कुछ।
बट वो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, तो वो देख के मैंने कुछ परचेज नहीं किया, वहाँ से निकल गया। फिर मैं आ गया काजू फैक्ट्री में, और यहाँ पे यार इतने वैरायटीज़ के काजू मिल रहे हैं ना, मतलब इंडिया में तो सिर्फ आपको पता होगा कि सॉल्टेड काजू मिलते हैं और नॉर्मल काजू, बट यहाँ पे चीज़ देन टॉमियम उसके बाद बारबेक्यू, मतलब इतने टाइप के काजू रखे हुए हैं ना। मैं फैक्ट्री में खड़ा हूँ अभी और पीछे बहुत सारे टाइप के काजू रखे हुए हैं यार, लिटरली इतने टाइप के काजू होते हैं यहाँ आगे पता चला। बट इट्स गुड, देखा मैंने भी एक काजू ले लिया है तो उसका टेस्ट सही आ रहा था। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके बाद आई डोंट नो कहाँ जाएंगे, एक कुछ और जगह बाकी है तो वहाँ जाऊँगा, फिर मैं उसके बाद जाऊँगा वापस अपने होटल, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट इस एरिया में नहीं है जिस एरिया में अभी मैं हूँ, जैसा कि मेरे गाइड ने बताया, तो मुझे इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाना है। तो अभी यहाँ से जाएंगे, और ये मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली है, ये लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री में खिलाते हैं। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, चलते हैं हम लोग आगे। तो काजू फैक्ट्री से निकलने के बाद यहाँ पे ये एक मार्ट था, तो यहाँ आ गए। अंदर बहुत कुछ मिल रहा है, टी शर्ट वगैरह से लेके जीरिंग और सब कुछ, ये भी मैंने देख लिया है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, बाकी अंदर सब कुछ सही रेट में मिल रहा है, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, सिटी टूर ख़त्म हो चुका है, तो चलते हैं और चल के लंच करते हैं। मेरे होटल के पास ही रेस्टोरेंट था, तो मैं आ गया खाना खाने, और मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर किया। ये देखो क्वांटिटी बहुत है, बट इसका जो प्राइस था वो कुछ 727-730 कह रहा हूँ, बट सही है, दो लोगों के लिए काफ़ी है, तो अभी मैं खा लेता हूँ। तो यहाँ ये स्ट्रीट है, ये रोड सीधा पटंग बीच के पास जाता है, अभी मैं सोच रहा हूँ वहीं चला जाता हूँ क्योंकि 4 बज गए, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट था तो इसी में मैंने लंच कर लिया। तो अभी मैं आ गया हूँ पटंग बीच, ये बिल्कुल सामने था तो सोचा देख लेते हैं, और ये पूरा पटंग बीच है। ये देखो यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी हो रही है, पैरासेलिंग, जेट स्की, ये सब कुछ, बट अभी धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़, तो मैं धूप में नहीं जा रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा टाइम बाद आना पड़ेगा यार यहाँ पे बीच एंजॉय करने के लिए, बट काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। तो पटोंग बीच से निकलने के बाद मैं चला गया होटल, और यार इतनी ज़्यादा गर्मी थी मैं थक गया, तो फिर सो गया जाके। देन मैं उठा डायरेक्ट 9 बजे, तो सोचा चल के डिनर वगैरह कर लेते हैं। मेरा प्लान था वैसे तो वॉकिंग स्ट्रीट जाने का, बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि लेट उठा यार, 9 बज गए, 9:30 बज गए, फिर जाना फिर आना, तो इसीलिए मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। बट मैं फिर आ गया रोड पे, और ये रात का माहौल है अभी फुकेट की स्ट्रीट पे, यहाँ सामने कुछ दिख रहा था। आगे मैंने सुबह जब मैं आ रहा था ना बीच से, तो मैंने रेस्टोरेंट देखे थे, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं आगे पटोंग बीच से, जब आप लोग निकलोगे ना वो एक चौराहा है, वहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो वहीं चल के हम लोग कर लेंगे डिनर। फिर डिनर करके थोड़ा बहुत स्ट्रीट पे घूम लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है, तब फिर डिनर वगैरह करके थोड़ा नाइट लाइफ इन्जॉय करके हम लोग चलेंगे। हाँ कल तो ये फुकेट की स्ट्रीट है, ये देखो रात को मैं निकल गया हूँ, अभी 9:30 बज रहे हैं। यहाँ पे मैंने सोचा पैनकेक्स खाते हैं क्योंकि थाईलैंड में पैनकेक्स बहुत फेमस है, तो अभी ये पैनकेक्स बना रही हैं, मैंने ऑर्डर दे दिया है बनाना प्लस चॉकलेट का, तो अभी ये बन के रेडी हो गया है। ये देखो दिखने में तो बहुत मस्त लग रहा है, अब खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। और स्ट्रीट पे आपको ऐसे कार्ट मिल जाएंगे, साइड में इन्होंने स्कूटर लगा रखा है या बाइक, और उसके बगल में ऐसे बेच रहे हैं, तो फिलहाल तो मैं ये ट्राई नहीं करूँगा, सी फूड खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो अभी मैं डिनर करने के लिए आ गया हूँ दिल्ली 6 इंडियन रेस्टोरेंट में। ये देखो मेन्यू की अगर बात करूँ तो 160 थाई बट का चिकन पकौड़ा, देन इधर देखते हैं चिकन में, ये देखो चिली चिकन 250, मतलब 500 समथिंग का ठीक ठाक मेन्यू है, 10% डिस्काउंट भी था, तो सोचा चलो यहीं खा लेते हैं। ये देखो मलाई कोफ्ता चिला रू 300, सही प्राइसेस हैं। अब एक बार देखते हैं खा के इनका क्वांटिटी और खाना कैसा है। तो ये आ गया अभी मेरा डिनर, पनीर बटर मसाला और बटर नान, देखने में तो सही लग रहा है, अब टेस्ट करते हैं कि कैसा है। तो अभी मस्त डिनर वगैरह करके मैं आ गया हूँ अपने होटल में। आज का दिन ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस आए फुकेट में, देन हाफ डे सिटी टूर किया, घूम लिया जो जो भी देखने का था, बिग बुद्धा से लेके सब कुछ। फिर अभी मैं डिनर करके भी आ गया, अब मैं होटल में रेस्ट करूँगा क्योंकि मेरा एक दिन फुकेट में वेस्ट हो चुका है। तो अब कल मैं यहाँ से जाऊँगा बैंकॉक, फिर बैंकॉक से पटाया बाय रोड, तो मेरी सुबह की फ़्लाइट है 12 बजे की, तो फिलहाल अब मैं रेस्ट करता हूँ क्योंकि टायर्डनेस भी हो गई है, 2 बजे उठा था फ्लाइट पकड़ने के लिए बैंगलोर से, तो इस वजह से। बाकी इस व्लॉग में इतना ही, तब तक इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर रहो तो सब्सक्राइब कर दो और मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अभी तो बहुत घूमना है इस साल, तो आप लोग को नए नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे डेली। सी यू गाइस।